अस्सलाम वालेकुम क्लासेस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एफओजी एंड आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक इज एडजेक्टिव। बेसिकली एडजेक्टिव इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच। नाउ कम टू द फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव? एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। प्रोनाउन बिकॉज pronoun is used instead of noun, that's why it qualifies both noun or pronoun. Here are some examples. Ali is a good boy. Ali is a good boy. Here good is qualifying boy. Good boy ko qualify kar rahe, uske quality ko ke bare mein hame information de raha hai, isliye गुड क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पर एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। नंबर टू एग्जांपल देखें, आई हैव टू पेंसिल्स। टू पेंसिल्स को क्वालिफाई कर रहा है, पेंसिल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कितनी, हाउ मेनी पेंसिल्स आई हैव टू, तो ये नंबर में आ रही है एडजेक्टिव। टू एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो ये नंबर एडजेक्टिव है। सना इज वेयरिंग ब्लू जैकेट। सना इज वेयरिंग ब्लू जैकेट, यहाँ पर ब्लू जैकेट को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पर ये कलर एडजेक्टिव है। बेसिकली ये तीन डिफरेंट एग्जांपल्स देने का मकसद ये था कि एडजेक्टिव नंबर में भी आ सकता है, नंबर का फंक्शन भी परफॉर्म कर सकता है। अगर वो नाउन के नंबरिंग के बारे में बता रहे हैं तो तब भी वो एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहे हैं, अगर वो कलरिंग के बारे में बता रहे हैं तब भी वो एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और अगर उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं तब भी वो एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। एनी वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन इज एडजेक्टिव। हर वो वर्ड जो नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, उसके बारे में आपको फर्दर मजीद इंफॉर्मेशन दे, आपके नाउन या प्रोनाउन के बारे में वो क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। सो नाउ टेक आउट योर एफओजी एंड ऑल्सो टेक योर पेंसिल इन योर हैंड। फर्स्ट पेज है हमारे पास एडजेक्टिव। आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब यू अबाउट एडजेक्टिव, डिस्क्राइबिंग वर्ड क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। अगेन रीड कर देती हूँ आपके लिए। An adjective describes, modifies, or gives more information about a noun or pronoun. Examples: big, happy, green, young, fun, crazy, three, etc. The little girl had a pink hat. Little girl को qualify कर रहे, pink hat को कर रहे। यहाँ पर little adjective है और यहाँ पे pink. Adjectives can be used at two places in the sentence, example before a noun or after a verb. He gifted me a yellow shirt. यहाँ पर शर्ट से पहले noun adjective यूज हुआ है, और after a verb की example देखिए। She feels sad. यहाँ पर verb के बाद यूज हुआ है और sad किसे qualify कर रहा है, शी को, प्रोनाउन को। द केक स्मेल्स गुड। हेयर अगेन गुड वर्ब के बाद यूज हुआ है, मगर ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, द केक। ही इज क्लेवर। क्लेवर किसे क्वालिफाई कर रहा है, ही को। एक्सरसाइज वन है हमारे पास सर्कल एंड सर्कल द एडजेक्टिव एंड अंडरलाइन नाउन। आपने क्या करना है, सेंटेंस रीड करना है। सबसे पहले सेंटेंस रीड करने के बाद आपने देखना है कि एडजेक्टिव कौन सा वर्ड है, उसके बाद आपने ये देखना है कि ये किसे क्वालिफाई कर रहा है। आपने क्वालिफाई होने वाले नाउन को सर्कल करना है, अंडरलाइन करना है। आपने हर नाउन को अंडरलाइन नहीं करना है, आपने सिर्फ उसी नाउन को अंडरलाइन करना है जिसे एडजेक्टिव क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। नंबर वन सेंटेंस रीड करती हूँ आपके लिए।
आमना एंड सारा वॉक्ड अप टू एन ओल्ड कासल। कासल किला को कहते हैं। अब यहाँ पर कासल को क्वालिफाई कौन कर रहा है? ओल्ड। ओल्ड किसे क्वालिफाई कर रहा है? किला को कर रहा है, कासल को कर रहा है। तो आपने ओल्ड को क्या करना है? सर्कल करना है और कासल को अंडरलाइन करना है। वैसे तो इस सेंटेंस में हमारे पास आमना और सारा भी है नाउन, लेकिन इनको नहीं करेंगे। हमने सिर्फ उसी नाउन को अंडरलाइन करना है जिसे एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रही है। ये तमाम सेंटेंसेस मैं नहीं रीड करूंगी आपके लिए। आप लोगों ने डायरी में, आप लोगों की यही है कि आपने इस एक्सरसाइज को क्या करना है, आपने इस एक्सरसाइज में तमाम सेंटेंसेस को सबसे पहले रीड करना है। रीड करने के बाद आप लोगों ने एडजेक्टिव को सर्कल करना है और नाउन को अंडरलाइन करना है। इसकी सॉल्यूशन मैं आप लोगों को कल बताऊंगी। उससे पहले इन ऑर्डर टू एक्सेस योर सेल्फ, आप लोगों ने खुद से करना है ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि आप लोगों के कितना अंडरस्टैंड हुआ आप लोगों को। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। बेसिकली एडजेक्टिव का फंक्शन हम प्रीवियस क्लास में भी रीड करते हुए आए हैं। आप लोगों को पहले भी एडजेक्टिव के बारे में मालूम होगा कि एडजेक्टिव क्या है। इट डिस्क्राइब्स और क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। अब हमने मूव करना है, डिग्रीज पर मूव करना है। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। कितनी डिग्रीज होती हैं? 3 डिग्रीज होती हैं, जो क्या करती हैं, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए यूज करती हैं। अब इनका फंक्शन, इन्हें हम कब कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये हम साथ साथ जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रीड कर लेते हैं। एवरी एडजेक्टिव हैज इट्स 3 डिग्रीज। हर एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। पॉजिटिव मीन फर्स्ट डिग्री, कंपैरेटिव कंपैरिजन करने के लिए। कंपैरेटिव डिग्री हम कब यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री को हम तब यूज करते हैं जब हमने दो नाउन को क्या करना हो, कंपेयर करना हो। जब दो नाउन को कंपेयर करना हो तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। लाइक अली इज टॉलर देन हमजा। अब यहाँ अली और हमजा के दरमियान में कंपैरिजन हो रहा है तो हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज की है। टॉलर यहाँ पर कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव है। अगर मैं बोलूँ अली इज अ टॉल बॉय, अगर तो यहाँ पर कंपैरिजन नहीं है, यहाँ मैंने सिंपल डिग्री यूज किया, पॉजिटिव डिग्री टॉल। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूंगी दो नाउन्स के दरमियान में तो मैं क्या करूंगी? कंपैरेटिव डिग्री यूज करूंगी। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री को हम कब यूज करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री हम तब यूज करेंगे जब हम एक नाउन को उसी की काइंड के तमाम या उसी की क्लास के तमाम नाउन के साथ कंपेयर करेंगे। लाइक अली इज द टॉलेस्ट बॉय, सॉरी अली इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। अब यहाँ पर मैं आपको जरा राइट करके भी दिखा देती हूँ ताकि आपको विजुअली भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए। देखिए अली इज अ टॉल बॉय, यहाँ पर सिंपल बॉय को क्या किया जा रहा है? क्वालिफाई किया जा रहा है। तो यहाँ पर टॉल पॉजिटिव डिग्री है। अली इज टॉलर देन हमजा। नेक्स्ट है अली इज द tallest boy in the class। ये देखिए हमारे पास तीनों डिग्री आ गई टॉल की। पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ कंपैरेटिव है, टू नाउन को कंपेयर करने के लिए यूज किया गया, और यहाँ पर सुपरलेटिव है। जब भी सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं उससे पहले हम आर्टिकल दा यूज करते हैं। ठीक है, आई थिंक सो क्लियर हो चुका होगा आपको। नाउ कम बैक। हाँ जी, यहाँ पर बता रहे हैं पॉजिटिव डिग्री एक्सप्रेसेस अ क्वालिटी विदाउट कंपैरिजन। एक्सप्रेसेस अ क्वालिटी विदाउट कंपैरिजन, जब हम सिंपल बात करते हैं किसी नाउन के बारे में हम पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, द ट्विंस आर स्मार्ट, द ट्री इज टॉल।
द बुक इज ओल्ड, यहाँ सिंपल नाउन को क्वालिफाई किया जा रहा है। कंपैरेटिव डिग्री यूज टू कंपेयर टू थिंग्स टू ईच अदर, ये मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। अब द वर्ड देन इज यूज विद द कंपैरेटिव डिग्री, जी ये डिस्कस करने वाला रह गया था। जब आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं तो आप देन यूज करते हैं, अली इज टॉलर देन हमजा, जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं उससे पहले हम देन यूज करते हैं। यहाँ कुछ रूल बताए जा रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए। अगर आपका जो नाउन सॉरी एडजेक्टिव है, अगर वो वन सिलेबल पर कंसिडर कर रहा है, यानी उसमें वन वाउल के साउंड है, तो या टू सिलेबल, तो आप क्या यूज करेंगे उसको कंपैरेटिव बनाने के लिए? ई आर यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देख लें, हार्ट का वर्ड है, वन सिलेबल है, एक वाउल है, तो आप क्या करेंगे? ई आर यूज कर लेंगे। क्या करेंगे? ई आर यूज करेंगे। वर्मर, इसमें भी ऐसे ही है, आप ई आर यूज करेंगे उसको कंपैरेटिव बनाने के लिए। अगर आपका लॉन्गर एडजेक्टिव है, यानी कि मोर देन टू सिलेबल्स पर कंसिस्ट कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? जैसे कि इंटरेस्टिंग, ब्यूटीफुल, तो आप क्या करेंगे? मोर का वर्ड यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए। आप फिर इंटरेस्टिंग के साथ ईआर नहीं लगाएंगे बल्कि मोर का वर्ड यूज करेंगे। इस चीज का ध्यान रखना आप लोगों ने। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ईएसटी यूज करते हैं। जैसे कि हॉट था तो हॉटेस्ट हो जाएगा, वार्म था तो वार्मेस्ट हो जाएगा, इसी तरीके से ब्यूटीफुल तो मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। वही इसमें भी रूल है, अगर आपका सिलेबल वन या टू सिलेबल पर कंसिस्ट कर रहा है, सिलेबल मैं बता चुकी हूँ कि आपके एक वर्ड में जितनी साउंड्स होंगी उतने सिलेबल होते हैं, उतने सैट, इसमें एक सिलेबल है, एक वाउल है, तो इसमें आपने क्या करना है? आपने ईआर का वर्ड यूज करना है। ब्यूटीफुल, अब इसकी तीन सिलेबल हैं, तो आप इसमें मोस्ट का वर्ड यूज करेंगे, द मोस्ट। अब देखिए सेकंड टास्क जो मैं आपको देने जा रही हूँ वो ये है। रेगुलर एडजेक्टिव हमारे पास है, इसमें ये टेबल आप लोगों ने फिल अप करना है। आपसे कहा जा रहा है फिल इन द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स एंड लर्न देम प्रॉपर्ली। आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने इसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना है। रेगुलर एडजेक्टिव्स हैं इसलिए आपको सिंपल क्या करना है? ईआर और ईएसटी का यूजेस करना है और इन्हें लर्न करना है। उसके बाद रेगुलर एडजेक्टिव, जैसे हमारे पास रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं जिसमें हम सिंपल ईडी लगाने से हमारी सेकेंड और थर्ड फॉर्म बना लेते हैं। अब इरेगुलर एडजेक्टिव्स वो करने तो हमने बस वैसे कल हैं, लेकिन मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। इरेगुलर एडजेक्टिव बिल्कुल जैसे हमारे इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं कि सेकेंड और थर्ड फॉर्म में वो ऑल टुगेदर चेंज हो जाते हैं, इसी तरीके से हमारी इरेगुलर एडजेक्टिव होती है। अब आपको मैंने एक्सरसाइज वन होमवर्क में दी है और रेगुलर एडजेक्टिव ये वाला टेबल आप लोगों को दिया है, इसको फिलअप करना है। कल मैं आप लोगों को टैली करवाऊंगी, देखेंगे हम, आप लोग अपने आपको भी देखेंगे, एक्सेस करेंगे कि आप लोगों ने कितना अंडरस्टैंड किया है और कितना करेक्ट वर्क किया है। ठीक है।